ये रही मम्मी, और ये हमारी आपको टोपटा होएगा, ये नाम भी सर इसकी सीट पर नहीं सो लिखा है, पता नहीं किसको। ऐसे साइकिल बहुत पसंद है मुझे, डिस्क ब्रेक और बिना पीछे सीट की, पीछे सीट होनी भी नहीं चाहिए, बिठा के क्या करेंगे हम। इस पर ग्रिपिंग भी हो रखी है, ये ऐसा मडगार्ड है इसका। अच्छा एक चीज बताओ तो ना, एक क्या परेशान करता रखा था मैंने, तोड़ ही दिया। और एक चीज बता दूँ, ये गियर वाली साइकिल नहीं है, तो डिस्क ब्रेक वाली है नॉर्मल, अच्छी तो लग रही है क्या। और ये सॉकर पे लिखा है रोलैंड, और ये मेड इन इंडिया है, बेडरॉक दोरा है या वाला, और वाह वाला है बेडरॉक प्रीमियम, अच्छा कॉम्बिनेशन है पूरा। एक चीज बताओ तो ये ना अच्छी लग रही है, ये स्टैंड है, स्टैंड इसलिए अच्छा है, सबको तो पता ही होगा, आप कमेंट में बताना आपकी कैसी साइकिल है। ये ऐसा है, मैंने यहाँ पे घड़ी लगा दी थी, फिर उससे मैं पीछे चिपकाने की सोचा था, फिर गिर गई घड़ी, उसने ऐसे मारा ना तोड़ दी। हाँ और गाइस अभी ये साइकिल गंदी तो नहीं हुई ना, और ना ही होने दूंगा मैं इसे, सारे बच्चे तो कीचड़ में चलाते हैं, मैं नहीं चलाता, तो कुछ ना था। अच्छा ये भी लिख रखा है आगे पापा, तो साइड करते हैं। एक बार ये ऑन करके दिखाऊं, तो ऑन हो चुकी है अभी खुलती है, आवाज सुना दी आपको इसकी, लगा दूंगी। हाँ लगा दो, ये स्टैंड होता है साइकिल का, और ये हर साइकिल में तो नहीं होता, देव कह रहा था इसे हटा दे, उसे लग रहा था कि नॉर्मल मेरी जैसी साइकिल बन जाएगी। ये कुछ लिखा है मैं नहीं पढ़ पा रहा, आईएसएस 7 का लिखा है, ये स्प्रेंडम है, स्प्रेंडम कमेंट कार्ड हटा देंगे तो कैसे दिखेगी, अजीब दिखेगी, जैसे हटाने नहीं मारा मैं कभी। आप ये बताना इस चीज मुझे कि ये क्यों लगे रहते हैं पैदल में, ये हटवा लेता हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा अगर इन्हें हटवा लूँ मैं, बेकार लगते हैं मुझे ये।